सो फाइनली जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया कि फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द वुमन, सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, सो टुडे इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि ओमान का क्या सीन है। तो देखो आप लोगों को पता लग गया कि मैं फाइनली सेलेक्ट हो चुका हूँ और शायद ये इस सीरीज़ की यानी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इंटरव्यू टिप्स को लेके, सो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। 3 वीडियोस बनाई, आई थिंक दिस इज़ द 4th पार्ट राइट। अगर आप चाहते हो कि इसका एक और पार्ट बने, तो अगर आपका कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं, तो आप नीचे कमेंट करो दबा के, जो भी कुछ आप लोगों को पूछना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे कमेंट्स उठाऊंगा, सारे A to Z। बट उससे पहले आपको वो वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, ये नहीं कि मैंने उस वीडियो में सब कुछ बता रखा हो और आप लोग यू नो कमेंट्स कर रहे हो ना, तो उसके लिए पहले वो वीडियो देख लेना, तीनों पार्ट छोटी छोटी वीडियो हैं, उसके बाद मैं सब लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो इसलिए मैं इसमें कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करने वाला, ठीक है? तो उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं कि देखो, सो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मैं गया था रेस्टोरेंट मैनेजर की मतलब रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए, ठीक है? सो उसमें एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, तो उन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया कि हम रेस्टोरेंट मैनेजर एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर आपको नहीं देखते, नॉट अ रेस्टोरेंट मैनेजर, एज अ कैटरिंग मैनेजर, बिकॉज मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, यू नो, एंड कैटरिंग का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि हमको एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कैटरिंग, अगर आपने कैटरिंग में काम किया, मैंने कहा यस आई हैव डन, मतलब मैंने कैटरिंग में काम किया हुआ है, बट उतना नहीं किया, बट हाँ मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछे थे मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिए, ठीक है? और भी टेक्निकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे यू नो कैटरिंग से रिलेटेड, कुछ कुछ मैंने बता दिए, कुछ कुछ नहीं बता पाए, जो भी है। सो उन्होंने मुझे सीधा फाइनली बोला कि देखो सी, हम आपको कैटरिंग मैनेजर में नहीं ले सकते, बट यस हम आपको एज अ सुपरवाइज़र ले सकते हैं, कैटरिंग सुपरवाइज़र। तो उन्होंने कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा ओके आई एम ओके विद दिस यू नो पोजिशन। तो उन्होंने भाई सैलरी बताई, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो कैटरिंग मैनेजर सैलरी दे रहे थे वो दे रहे थे 450 ओमानी रियाल, मतलब 450 ओमानी रियाल बोले तो अराउंड 20 ओमानी रियाल 20 रुपए के आसपास, नहीं 20 बोल रहा हूँ, 190 ओमानी, मतलब एक ओमानी रियाल जो है वो 190 रुपीज़ के आसपास है। तो 450 मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था यू नो। सो लेट्स सी, फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आप सुपरवाइज़र के लिए करो। तब जब उन्होंने सैलरी बताई, तो जो मेरी सैलरी उन्होंने बताई वो थी 210 ओमानी रियाल। तो 210 ओमानी रियाल को आप कन्वर्ट करके देख लेना गूगल में, नीचे कमेंट करके बताओ ज़रा कितने हुए, ठीक है? बट मैं बता देता हूँ, 210 ओमानी रियाल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, तो वो बैठती 40,500। तो मैंने कहा कि यार इस सैलरी में मज़ा नहीं है, मतलब ये मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा जब मेरा सिलेक्शन वेलेक्शन सब कुछ हो चुका। अब उन्होंने जिस कंसल्टेंसी के थ्रू मैं गया था, तो उनका मेरे पास फ़ोन भी आया, मैसेजेस भी आए कि भाई क्या सीन है, बिकॉज यू नो फिर ऑफर लेटर 1 से 2 दिनों में आ जाता है, ऑफर लेटर का जो सीन है। सो मैंने कहा कि मैंने घर में भी बात करी, और इससे जब मैं लास्ट कुवैत में कंपनी में काम करता तो वहाँ पर मेरी अच्छी सैलरी थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, जिसने नहीं देखी है तो, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, तो फाइनली आई टुक अ डिसीजन, एंड मैंने जो फाइनल डिसीजन वो लिया वो ये कि आई एम नॉट गोइंग टू ओमान। यस, मैंने उनको आज मना कर दिया, जस्ट आज दोपहर की ही बात है, कल रात को भी बात हो रही थी, सुबह भी बात हुई थी, तो मैंने सीधा उनको स्ट्रिक्टली तो खैर क्या बोलूँ, तो बस मैंने उनको बोल दिया कि यार सी आई कैन नॉट गो टू इन दिस सैलरी, बिकॉज दिस सैलरी इज़ वेरी लेस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन दिस इज़ वेरी लेस। और सच में कंपनी बहुत ज़बरदस्त थी, बिकॉज जो वीडियोज़ मैंने देखी थी, जो उन्होंने प्रोजेक्ट में वीडियो दिखा, तो सब लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, और वो खुद कह रहे थे कि भाई ये कंपनी जितने भी हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं ना यू नो अलग अलग गल्फ कंट्री से, तो ये सब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। मैंने कहा वो तो मुझे देख ही रहा था, बिकॉज जिस हिसाब से वो नो इंटरव्यूज़ हो रहे थे, वीडियोज़ चल रही थी, लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे यू नो, वो प्रोजेक्ट में दिखा रहे थे वहाँ पर, जिसने भी वो इंटरव्यू अटेंड किया तो उनको मालूम है। सो अगर मेरे को मतलब थोड़ी सी और अच्छी सैलरी मिलती तो डेफिनेटली, पोजीशन नहीं मिली इट डजेंट मैटर, बट सैलरी देखो, इंसान इंडिया से बाहर जाता तो पैसे कमाने के लिए जाता है ऑब्वियसली यू नो। तो ठीक है, मेरे को पोजीशन नहीं मिलती, अगर मेरे को सैलरी अच्छी मिलती तो डेफिनेटली मैं आँख बंद करके चला जाता हूँ ओमान। बट लेट्स सी, अभी वैकेंसी धीरे धीरे आएंगी, देखते हैं क्या क्या होता है। और मैंने शायद ये भी बोला था कि लास्ट वीडियो में कि मैं बताऊँगा कि मेरे साथ मतलब मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, वो गलती पता क्या थी, और वो गलती ये थी कि मतलब यार पता है क्या, मैं सच बताऊँ, मैं बेमन से गया था, जिसे बोलते ना बेमन वाला, कि मतलब मेरा मन नहीं था, यानी कि चलो भाई ठीक है इंटरव्यू देने जाते हैं, सच में मेरा वही था। मैंने कहा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया इंटरव्यू अटेंड किए हुए, तो इंटरव्यू अटेंड कर लेते हैं। तो मैं गया सब कुछ अपना फ़ोटो कॉपी वगैरह सब कुछ करा करू के ले गया था, रेज्यूमे वगैरह और अपना फाइल वगैरह जो थी, वहाँ जाके हमें पता लगता है कि भैया हम तो अपना पासपोर्ट भूल गए, सही है? और सबसे बड़ा कांड पता कहाँ पे हुआ, पासपोर्ट लेके नहीं गया, उसी के बारे में बात होगी। जब सिलेक्शन होने लगा, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मेरे को, तो उन्होंने बोला कि कैन आई सी योर पासपोर्ट,
मैंने कहा भाई कह सर सॉरी आई डोंट हैव अ पासपोर्ट या राइट नाउ आई फॉरगॉट। कहने लगा व्हाट इज दिस विपिन, यू आर कमिंग फॉर द कैटरिंग मैनेजर पोजिशन एंड यू फॉरगॉट योर पासपोर्ट। मैन इतना ऑकवर्ड लग रहा था, मतलब इतनी गिल्टी फील हो रही थी मुझे कि यार मतलब अब भाई ये गलती मेरी थी, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया था, बिकॉज जो बैग मैं लेके गया था उसी बैग में मेरा पासपोर्ट रहता था। मैंने सोचा कि ये उसी में होगा, लेकिन फिर मुझे बाद में आ रहा है अरे यार पासपोर्ट घर पे रह गया। और पता है एक एक और सीन सुनो, वहाँ पर एक बंदा रखा था मैनेजर पोजीशन के लिए, वो थोड़ा सा मतलब आई थिंक काफ़ी 40 से 40+ होगा, तो वो लेके नहीं आए अपना यू नो एज अ सीवी वगैरह, और एक दो बंदे और थे अपने सीवी लेके ही नहीं गए। और वो लोग बोल रहे थे कि मतलब जो इंटरव्यू अटेंड करवाते हो ना, वो लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पे ये कैंडिडेट आ रखे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है उनका सीवी लेके आओ। सर दे डोंट हैव अ सीवी। तो भाई जो इंटरव्यू लेने वाला वो भड़क गया कि भाई साहब लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, उनके पास उनका सीवी नहीं है, तो मैं क्या इंटरव्यू लूँ, कौन है भाई रात में हॉर्न मार रहा है ना। तो फिर ये सीन हुआ, तो भाई ना मुझे भी मतलब थोड़ा सा बोलो मैंने कैसे लोग हैं, मतलब तुम इंटरव्यू के लिए आ रहे हो सीवी वगैरह बोल रहे हो अपने, मतलब लेके ही नहीं आ रहे हो, तो बंदा तो ऑब्वियसली सीधा रिजेक्ट कर देगा। उसने भी मेरे को बोला कि यू आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू एंड यू फॉरगॉट योर यू नो पासपोर्ट, सो दिस इज़ अ यू नो चांस फॉर द रिजेक्शन। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी सर एंड एक्चुअली आई फॉरगॉट बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि भाई मेरे इसी बैग में रखा हुआ है, बट मैं ट्रिप पर जाता रहता हूँ एज यू ऑल नो दैट, तो मैंने वो निकाल दिया था और घर पे रह गया था, बट फिर भी मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया था। कुछ लोग ना फालतू के कमेंट्स भी करते रहते हैं ना यूट्यूब की मेरी लास्ट वाली वीडियोस में देखा, और जो लोग देख रहे हैं तो फालतू के कमेंट्स आमने सामने क्या करो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ उन लोगों को जवाब देने में मज़ा आता है। सो गाइस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, वर्स्ट एक्सपीरियंस तो बोल भी सकते हो यू नो इंडिया। और भी कुछ आप लोगों को कुछ भी पूछना हो कमेंट करो, अगर ज़्यादा कमेंट मुझे आएंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक अ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। जाते जाते एक चीज़ और मेरे दिमाग में एकदम से यू नो पॉइंट आ गया, तो देखो ऐसा होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सैलरी से तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता यू नो, कोई भी कंसल्टेंसी वाला है कोई भी बंदा आपको फोर्स नहीं कर सकता नहीं भाई आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ओके हो, जैसे कि मैं ओके नहीं था तो मैंने उनको मना कर दिया। देखो उन लोगों का काम होता है ऑब्वियसली उन्होंने आपको मनाना एंड ऑल, कंपनी अच्छी थी तो, और वो मेरे को अच्छे से जानते भी थे वो कंसल्टेंसीज वाले, तो वो मेरे को बोल भी रहे थे कि भाई देख लो अगर हो सकता है तो यू नो, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें यू नो कैलकुलेशन करी तो मुझे ठीक नहीं लगा। यस अगर सैलरी अच्छी हो तो डेफिनेटली गैर मैं चला जाता, बट सारी चीज़ थी सैलरी को लेके। एंड यस अगर आप भी सिलेक्शन होते तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता यू नो, वो सब आपके ऊपर होता है, आपके ऊपर हाथा है बोल रहा था, आपके ऊपर होता है ठीक है। अगर पासपोर्ट तो देखो वो रखते ही हैं बाद में, मेरा कोई पासपोर्ट नहीं रखता, पासपोर्ट कंसल्टेंसी वाले कब रखते हैं पासपोर्ट, रखते हैं जब आपका ऑफर लेटर पर आप साइन कर देते हो ना, ऑफर लेटर पर साइन करने के बाद आपका पासपोर्ट कंसल्टेंसी वाले रखते हैं ठीक है। सो यह और भी कुछ पूछना नीचे कमेंट कर लेना, भेजिएगा, बाय बाय, टेक केयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।